Welcome back friends in my channel ASW Education. Today's our topic is Buchholz relay. Buchholz relay कहाँ पे use किया जाता है, क्यों use किया जाता है, अपन सब discuss करेंगे. तो Buchholz relay transformer को protect करने के लिए use किया जाता है. And Buchholz relay specially oil field transformer के लिए use किया जाता है. दूसरे कोई transformer को protect करने के लिए Buchholz relay use नहीं किया जाता. स्पेशल ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के लिए Buchholz relay यूज़ किया जाता है. Buchholz relay का वर्किंग जानने के पहले अपन Buchholz relay कहाँ पे लगा होता है वो देखेंगे. तो Buchholz relay लगा होता है ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक होती है जहाँ पे कॉइल वाइंडिंग्स होती हैं, उसके बाद Buchholz relay लगा होता है. एंड Buchholz relay के बाद में कंजर्वेटर टैंक रहती है. तो जो ट्रांसफार्मर में ऑयल फील्ड होता है वो, उसके बाद में Buchholz relay, उसके बाद में कंजर्वेटर टैंक एंड इधर ब्रीदर वर्क रहता है. ठीक है, तो कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में Buchholz relay होता है. एंड Buchholz relay प्रोटेक्ट कैसे करता है फ्रेंड्स? तो कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर में माइनर फॉल्ट्स आ जाते हैं, छोटे मोटे फॉल्ट्स, उसके कारण ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल फील्ड होता है वो हीट होता है और वो वेपर फॉर्म करता है. तो जो वो वेपर्स होती हैं वो ट्रांसफार्मर से निकल के यहाँ से अंदर जाती है और ये जो यहाँ पे फ्लोट लगा होता है इसे स्ट्राइक होती है. जैसे इसे स्ट्राइक हुई, ये जो फ्लोट होता है ये ऐसा हो जाता है और ये होने के कारण यहाँ पे अलार्म सर्किट लगा रहता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है. एंड वो जैसे कि ये नॉर्मली क्लोज सर्किट रहता है और जैसे ही वो वेपर्स के कारण फ्लोट नीचे आ जाता है यहाँ पे स्ट्राइक होके, तो अलार्म ऑपरेट करने लगता है, मतलब अलार्म बजता है. और ये हो गया जब छोटे मोटे फॉल्ट रहते हैं. और कभी कभी ट्रांसफार्मर में बहुत बड़े फॉल्ट आ जाते हैं जिसके कारण ऑयल गर्म होता है और बहुत सारे वेपर्स फॉर्म करता है बहुत हाई प्रेशर में. तो जब ये कम प्रेशर रहेगा तो यहाँ से आएगा क्योंकि वेपर हमेशा ऊपर ट्रैवल करती है, पर ये जब बहुत फोर्स से आएगा तब ये डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्राइक होगा, यहाँ पे फ्लैप पे. तो जैसे ही ये फ्लैप पे स्ट्राइक होगा, यहाँ पे जो मर्क्यूरी स्विच लगी है ट्रिप सर्किट को, ये सबसे पहले तो नॉर्मली क्लोज रहती है और जैसे ही ये फ्लैप को स्ट्राइक होती है, ये जो फ्लैप होता है ये मतलब टिल्ट हो जाएगा और उसके कारण ट्रिप सर्किट ऑन हो जाएगा. और जैसे ही ट्रिप सर्किट ऑन हुआ, होल ट्रांसफार्मर की जो असेंबली है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो मेन ट्रांसफार्मर है वो ऑफ हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा. और इसके कारण क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर अपना है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा बाकी किसी भी फॉल्ट के कारण. तो यही है फ्रेंड्स Buchholz relay. Buchholz relay में अलग अलग ये ट्रांसफार्मर टैंक से आता है यहाँ पे ऑयल फील्ड्स, एंड ये हिंज होता है यहाँ पे और ये फ्लैप होता है, एंड ये मर्क्यूरी स्विच होती है जो कि ट्रिप सर्किट से कनेक्टेड होती है, यहाँ पे फ्लोट रहता है जो कि अलार्म सर्किट से कनेक्टेड रहता है. ये अलार्म को ऑन करता है, ये डायरेक्ट ट्रिप कर देता है. एंड ये रिलीज होती है. कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है जिसके कारण ये Buchholz relay डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है. इसके कारण यहाँ पे एक डायफ्रेगम होता है जो कि बहुत हाई प्रेशर होने के कारण ये फट जाता है, और जैसे ही ये फट जाएगा यहाँ से ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो पास कर देता है और Buchholz relay को प्रोटेक्ट करता है. और इसके कारण कंजर्वेटर भी प्रोटेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे कंजर्वेटर के पास जाने वाला था और ये ट्रांसफार्मर, इसलिए दोनों चीज़ प्रोटेक्ट करता है Buchholz relay. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.